हेलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता बेटा एक गैस है, उसके प्रेशर को मेजर करता है। देखो किस टाइप का बैरोमीटर होता है, आप छोटी क्लास में पढ़ के भी आते हैं कि गैस है उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर उसको काम में लेते हैं। लेकिन इस बैरोमीटर के अंदर इम्प्योरिटी होती है, वाटर वेपर है, इसकी इम्प्योरिटी होती है। देखो इसको बता देते हैं, देखो ये यूनिट है, ये यहाँ पे ये मान लो प्रेशर है, इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। बैरोमीटर के अंदर वाटर वेपर है, इसकी मॉलिक्यूल्स की इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। बैरोमीटर इसमें क्या होगा, बैरोमीटर कंटेंस इंप्योरिटी ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर है इसकी इंप्योरिटी प्रेजेंट रहेगी। इसके अंदर क्या होगा, इंप्योरिटी ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी भी इंप्योरिटी साथ में प्रेजेंट रहेगी, यानी गैस के साथ साथ में इससे जो वेपर बनेगी उसकी भी इंप्योरिटी साथ में प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पर बेटा एक बात बताएं आपको कि ये जो प्रेशर मेजर करता है, इससे जो ऑब्जर्व प्रेशर आता है वो सिर्फ गैस का प्रेशर होगा या उसके साथ में वाटर भी आएगा? तो यहां पर तो बेटा ये जो रीडिंग है यहां पे, तो ये तो दोनों की कंबाइंड रीडिंग होगी। जो ऑब्जर्व यहां पे होगा वो इस मॉइस्ट का होगा, उसमें गैस के साथ साथ में जो वाटर वेपर है उसका भी प्रेशर इन्वॉल्व होगा। यानी पी ऑब्जर्व अगर आप देखोगे, पी ऑब्जर्व अगर आप देखोगे तो पी ऑब्जर्व होगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, इसके साथ में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये दोनों होंगे। यानी ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो दोनों का सम होगा, किसका सम होगा, गैस के प्रेशर का सम होगा और इसमें प्रेजेंट जो वाटर वेपर है उसका सम होगा, ठीक है। यानी रियल में जो ऑब्जर्व आ रहा है वो किसका आ रहा है, मॉइस्ट गैस का। यहाँ पे जो गैस है उसके साथ साथ में वाटर वेपर भी मिक्स होगी, तो कैसी गैस होगी, मॉइस्ट गैस। तो ये जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, मॉइस्ट गैस का। ये जो प्रेशर होता है वो किसका होगा, मॉइस्ट गैस का होगा। और वाटर वेपर है इसका दूसरा नाम होता है एक्वस टेंशन भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एक्वस टेंशन, ये होता है एक्वस टेंशन। और आप जो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं वहां पे जो प्रेशर होता है किसका प्रेशर होता है, गैस का प्रेशर। तो यहां पर अगर आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है तो क्या यहां पे प्रेशर मोस्ट गैस का लोगे या आप गैस का लोगे? तो बेटा किसी भी गैस के रेस्पेक्ट में लगाओगे तो यहां पर प्रेशर किसका लिया जाएगा, गैस का। तो यहां पर गैस का प्रेशर लिया जाता है, इसके अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये वाला प्रेशर लेते हैं, ये वाला प्रेशर मेजर करते हैं। तो अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्वस टेंशन आपको दे रखा है या मोस्ट गैस उसका प्रेशर या ऑब्जर्व प्रेशर इस टाइप का दे रखा हो, तो वहां पर बेटा आपको किसको कैलकुलेट कर लेना है, गैस का कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो गैस है उसका प्रेशर मिल जाएगा। और बेटा वाटर वेपर है इसका प्रेशर है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी एक्वस टेंशन इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इसको याद नहीं रखना है, ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे कितना ही आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्वस टेंशन या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर उसके ऊपर एक्वस टेंशन होगी, वो आपको डिफरेंट मिलेगी। फिर से बोल रहे हैं, बैरोमीटर होता है गैस के प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन इसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है एक्वस टेंशन की, या हम उसको भी बोल देते हैं कि वाटर वेपर है इसकी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी इक्वल टू एनआरटी लगाना है, तो यहां पर आप देखेंगे कि पी जो होगा वो क्या होगा, गैस का प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर होगा, वहां पर मोस्ट प्रेशर नहीं लोगे आप, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। देखो एक पूछा हुआ क्वेश्चन करवाई देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए इसको, चलो क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस
नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज मेजर्ड फॉर प्रेशर इन ए गैस, मैनोमीटर भी बोल देते हैं इसको, इन ए गैस मैनोमीटर मैनोमीटर द प्रेशर ऑब्जर्व इज 800 mm of Hg. यहां पे आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन गैस की कुछ अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेजर करती है, मैनोमीटर में इसका प्रेशर कितना आ रहा है 800 mm of Hg. आगे देखो, इफ इक्वल टेंशन ऑफ दिस टेम्परेचर इज इफ इक्वस टेंशन एट दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 20 mm of Hg. Find the mass of gas if its volume is 2 liter. Find the mass of gas if its volume is 2 liter. देखो क्या दे रखा आपको, क्या पूछा है, यहां पर नाइट्रोजन गैस आपको दे रखी है, नाइट्रोजन गैस है उसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आपको गिवन है, इज मेजर्ड प्रेशर इन गैस मैनोमीटर, द प्रेशर ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व प्रेशर कितना है 800 mm of Hg. इसका मतलब ये जो प्रेशर आपको दे रखा है वो कौन सा प्रेशर होगा, पी मॉइस्ट होगा, इसको तो यूज में नहीं लेना, ठीक है. इफ एक्वस टेंशन ऑफ दिस टेम्परेचर इज, एक्वस टेंशन आपको गिवन है, एक्वस टेंशन कितनी आपके पास में 20 mm of Hg. तो इस कंडीशन में आपको गैस उसका मास कैलकुलेट करना है, मास कहां से आएगा, मोल से आएगा, मोल कैलकुलेट कर लो, मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन वो तो आपको खुद से करनी है. मैं यहां पे आपको ये बताना चाह रहा हूं, पीवी इक्वल टू जो एनआरटी लगाते हैं, यहां पे जो प्रेशर लेते हैं वो किसका प्रेशर लेते हैं, गैस का प्रेशर लेते हैं, नॉट प्रेशर ऑफ मॉइस्ट. तो यहां पर ये होता पी मॉइस्ट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर आ गया साथ में एक्वस टेंशन. तो यहां पर पी गैस इक्वल टू क्या होगा, मॉइस्ट कितना दे रखा है 800 और ये कितना होगा 20, कितना होगा 780 mm of Hg. तो यहां पे जो प्रेशर आप गैस का लोगे वो कितना है 780 mm of Hg. एक चीज और, जो प्रेशर यहां पे हम लगाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर, वो प्रेशर किसमें लेते हैं, हम किसमें लेंगे, एटीएम में. तो इसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम एटमॉस्फेयर लीटर में आप देखोगे तो डिवाइड बाई 760, तो ये किसमें आ जाएगा एटीएम. तो यहां पे देखो प्रेशर ऑफ गैस 780 अपॉन 760, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, एन मोल होता, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन मास इन ग्राम, ये तो कैलकुलेट करना है. नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का बेटा मॉलिकुलर मास कितना होता है 28. आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, एटमॉस्फेयर लीटर में वैल्यू होती है 0.0821. टेम्परेचर कितना हो गया आपका 27 है तो कितना होगा 300. तो इसे आपके पास में कैलकुलेशन है, वेट कैलकुलेट कर लो, ठीक है. तो बस इतना ध्यान में रखना, बैरोमीटर आपको दे रखा हो तो उस कंडीशन में, या मोनोमीटर आपको दे रखा हो, मैनोमीटर आपको दे रखा हो, बैरोमीटर आपको दे रखा हो, उस कंडीशन में आपके अगर ऑब्जर्व है और एक्वस टेंशन दे रखा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, तो वहां पे इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, पहले गैस उसका प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, नोट कर लीजिए. इसके बाद में आते हैं हम डेंसिटी के ऊपर, और डेंसिटी में बेटा मैंने आपको बताया था दो टाइप की डेंसिटी होती है, एक तो होता है वेपर डेंसिटी और दूसरा क्या होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी. देखो
इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद में हम पढ़ते डेंसिटी के बारे में, एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसके बारे में हम बात करूं। वेपर डेंसिटी तो क्या होती है, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई टू। डेंसिटी है, डेंसिटी को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करके पहले बेटा आपको बताया था, फिर से देखिएगा। डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, डेंसिटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, कौन कौन सी डेंसिटी थी। एक थी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसी की मैं बात करता हूं पहले। हालांकि सब मैं बता भी चुका हूं आपको, मोल कंसेप्ट बेटा बहुत डिटेल में बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी डी इक्वल टू क्या होता है, पी एम अपॉन आर टी, ये होता है डेंसिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर होती है, ग्राम पर लीटर आएगी इसकी डेंसिटी यूनिट। यहां पे P और बेटे डेंसिटी होती है अमाउंट इंडिपेंडेंट होती है। एक लीटर वाटर आप लोगे या कोई भी एक लीटर सॉल्वेंट आपने लिया है, सॉल्यूशन लिया, उसकी जो डेंसिटी है एक लीटर की जितनी होगी उतनी, हजार लीटर की होगी, कितना भी ले लो अमाउंट इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव। ठीक है, पी यहां पे क्या होगा, प्रेशर, पी होगा यहां पे प्रेशर, किसमें लेते हैं हम, एटीएम में। एम क्या होगा उसका, मोलर मास, मोलर मास या मॉलिकुलर वेट। टी क्या होगा, टेम्परेचर, और इसको हमेशा किसमें लेना है, केल्विन में। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो सबकी जब यूनिट रखोगे तो इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर आएगी। इसका क्या होता है, मोल 0.0821 रखेंगे, 0.0821 एटमॉस्फियर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। रख के देख लो सबको, देखो पी क्या हो गया, एटीएम, ये क्या होगा, मॉलिकुलर मास। आर क्या होता है, एटीएम, आर क्या हो गया, एटीएम और लीटर मोल और केल्विन। नीचे टेम्परेचर की क्या होगी, केल्विन, ठीक है। और बेटा मोल क्या होगा, ये वाला एम मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन, ये क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ऊपर भी क्या है, मॉलिकुलर मास, ये कैंसिल आउट, कैसे के कैंसिल आउट, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट, तो क्या बचा, ग्राम पर लीटर। तो ये इसकी यूनिट होगी, क्या यूनिट होगी, ग्राम पर लीटर। ये होता बेटा आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी, कहां से आती है थोड़ा बता भी देते, इसको लिख लिया। आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू लगाएंगे एनआरटी, पी वी, एन क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू आरटी। इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, पीवी आरटी को इधर लाओ, आरटी इक्वल टू क्या, डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू क्या होता है, मास, वी क्या होगा, वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, ये क्या होगा डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी एम इधर आ जाएंगे ना, तो पी एम अपॉन आर टी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी वो कितनी होती है आपकी, पी एम अपॉन आर टी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बताएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी बताएंगे, रिलेट करके भी बताएंगे। वेपर डेंसिटी को और मैं बता देता हूँ ये पीसी के साथ में, न्यूमेरिकल पर आते हैं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई टू, यानी मॉलिकुलर वेट इक्वल टू होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, और रेस्पेक्टिव टर्म होती है वो यूनिट लेस होती है, इसलिए वाला क्या होता है, यूनिट लेस, यूनिट लेस टर्म, ठीक है। तो यह था बेटा आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको।
इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे गए, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम्स में पूछे गए, कुछ बुक्स में भी दे रखे हैं, उनको भी हम करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटीएम। फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटीएम। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है 127 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 2 एटीएम प्रेशर के ऊपर। तो बेटा डेंसिटी के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू डी इक्वल टू होता है पीएम अपॉन आरटी। डी इक्वल टू क्या होगा, पीएम अपॉन आरटी। जहां पर भी डेंसिटी पूछी जाए तो एब्सोल्यूट डेंसिटी मानोगे, टेम्परेचर और प्रेशर आपको गिवन है। प्रेशर कितना है 2। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, एक कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना 16, 2 का कितना होगा 32, कितना होगा 44, आर 0.0821। टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है, कितना होगा 400, सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन है इसको अपने से कर लेना। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/12 नियरेस्ट। अगर कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 0.0821, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इजी हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे क्या रख सकते हो, 1/12। और बताते हैं और क्वेश्चन करवाते हैं, फाइंड डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 5 एटीएम। सिंपल सा हलवा क्वेश्चन, देखो डेंसिटी कैलकुलेट करनी है नाइट्रोजन की, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो क्या लगाओगे, डी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। प्रेशर कितना है 5 एटीएम, मॉलिकुलर मास कितना होता है 28, आर 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में लेना कितना होगा 300। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको मिटा दें, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आते हैं। लिखेंगे, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड टू हैव, ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ इज फाउंड टू हैव ए डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर लीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 730 टोर। यह आपको कंडीशन दे रखी है, एक मिक्सचर है CO और CO2 का जिसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर है, टेम्परेचर आपको ये गिवन है और ये आपको प्रेशर गिवन है। अब इसके अंदर आपको कंपोजिशन पूछा है कि इसका CO एंड CO2 का, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ CO एंड CO2। सबसे पहले बेटा कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन है रियल में क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझा देता हूं, फिर एक बार अपने से आप ट्राई करेंगे, पहुंच करके अपने से ट्राई करेंगे। देखो आपको मिक्सचर दे रखा है, कौन कौन प्रेजेंट है उसके अंदर, CO गैस प्रेजेंट है और CO2 गैस प्रेजेंट है, और इस मिक्सचर की डेंसिटी कितनी है 1.5 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 730 टोर पे। टेम्परेचर दे रखा, प्रेशर दे रखा, डेंसिटी दे रखी है, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, डी इक्वल टू पीएम अपॉन आरटी लगाओगे, यहां से क्या आ जाएगा आपका एम आ जाएगा, बाकी तो गिवन है। एम क्या होता है, मॉलिकुलर मास, अकेली गैस होती है तो उसका मॉलिकुलर वेट हो जाता है, यहां पर क्या होगा एवरेज होगा, इस मिक्सचर का होगा वो एवरेज होगा,
उनमें से इसका क्या कंपोजिशन है, यानी इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, ये दे रखा है। मोल परसेंटेज पूछा आपसे, कंपोजिशन का मतलब होता है मोल परसेंटेज, या फिर मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। मोल परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन सेम ही है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लो, आपको होता है मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वन, वन मोल के रेस्पेक्ट में। अगर पूरा मिक्सचर उसको वन मोल मान लो तो CO कितना होगा, CO2 कितना होगा, इसको x मान लो, इसको ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स। परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोल फ्रैक्शन से। एक बार मैंने जो भी आपको बोला एक बार अपने से ट्राई करके देखिएगा, डी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी लगा के देखिएगा, एवरेज मास कैलकुलेट करिएगा एक बार, उसके बाद में उसके मोल परसेंटेज बनाइएगा। हालांकि मोल में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाई भी थी, कोई बात नहीं, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो अब देख लो बेटा, ट्राई करो एक बार, अपने से ट्राई करेंगे। किया अपने से, कितना आंसर आया, पहुंच करके करना था, देखते किस बच्चे का सही है। जो भी इसको करेगा, जो भी इस क्वेश्चन को करेगा, उसका 100% सिलेक्शन है। इसका मतलब इस टाइप की समझ गए वो, इसका मतलब वो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट कर सकता है। और बेटा जिस दिन आपने ऐसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, जब एक चैप्टर और दो चैप्टर रहे या तीन चैप्टर हो आपस में रिलेट करके करने लग जाओगे, उस दिन आपको आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है, आप श्योर सर्टेन डॉक्टर हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दे रखे हैं मिक्सचर, D इक्वल टू क्या होता है, पी एम अपॉन आर टी। डेंसिटी आपको दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, आर टी आप जानते हैं, टेम्परेचर आपको गिवन है, एम क्या होगा, एवरेज मॉलिकुलर मास। तो यहाँ से बेटा हम कैलकुलेट करेंगे एम, एम इक्वल टू क्या होगा, डी आर टी बाई पी। डेंसिटी कितनी गिवन आपको, 1.5 ये है ना। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एटमोसफियर लीटर में कितनी होती है, 0.0821। टेम्परेचर कितना है, 30, कितना ऐड करोगे, 273 ऐड कर दो, कितना होगा, 303, यही है ना। आगे देखो प्रेशर कितना है, 730, ये टोर के अंदर है। और हम ये जानते हैं 1 atm इक्वल टू क्या होता है, 1 atm इक्वल टू होता है 760 टोर। हमें तो किस में चाहिए, atm में, तो टोर की जगह atm लिखोगे तो कितना होगा, 1/760 atm, इट मीन्स डिवाइड बाई कितना होगा, 760। और बेटा इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 38.85, यानी एवरेज इसका मॉलिकुलर मास होगा वो 38.85 है। आपको पूछा क्या, कंपोजिशन ऑफ CO एंड CO2, CO और CO2 इसका कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। इधर वाले को मिटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर को किसमें लेना, एटीएम में, टोर में दे रखा तो 760 से डिवाइड कर दो। अब मैंने ये मान लिया कि CO और CO2 है, इसका कंपोजिशन कैलकुलेट करना है, यानी इसका मोल फ्रैक्शन है इसको आपको कैलकुलेट करना है, या परसेंटेज है इसको कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। लेट अस अज्यूम मोल ऑफ CO इज एक्स, then mole of CO2 is 1 minus x. CO का x है तो CO2 का कितना होगा, 1 minus x, क्लियर हुआ। आगे देखो CO का कितना मान लिया आपने, x, तो ये कितना होगा, x। मॉलिकुलर वेट कितना हुआ, मॉलिकुलर वेट कार्बन का 12 कितना होगा, 12, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, कितना होगा, 28, ये होता है 28, प्लस 1 माइनस एक्स। CO2 का कितना होता है, 44, और इन दोनों का सम वो किसके बराबर आएगा, 38.85। इसको सॉल्व करेंगे, 28x प्लस 44 माइनस 44x 38.85। बेटा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0.3218, ये आएगी, क्योंकि दोनों का सम तो वन ही होगा, इसमें इसकी वैल्यू x है और x आपने किसको मानना है, CO का। तो मोल परसेंटेज या परसेंटेज मोल ऑफ CO कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 32.18%। तो बेटा परसेंटेज को, परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर 100 का सम होता है।
तो एक एक क्या होगा 32.18 है, तो दूसरा कितना बच गया सी ओ टू, यानी परसेंटेज मोल ऑफ सी ओ टू। सी ओ टू का परसेंटेज आप देखोगे तो इससे माइनस कर दो कितना आएगा 67.82%। ये इसका होगा कंपोजिशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, जब भी दो मिक्सचर आपको दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो एवरेज मास आ जाएगा। फ्रैक्शन पूछा जाए कितना है, या फिर कंपोजिशन पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो क्या करना है, जो भी आपका एवरेज मास है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब आपको अज्यूम करना है, अगर इसको एक को एक्स मानना तो दूसरा क्या होगा 1 माइनस एक्स, और इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है एक्स का 28, इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स, और ये क्या है 44 सॉरी सी ओ टू, इनका सम कितना होगा 38.85। जिससे एक की वैल्यू निकाल ली, दूसरे को क्या करो 1 से माइनस कर दो, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो 100 से माइनस कर दो। तो ये थी बेटा आपकी डेंसिटी, डेंसिटी पे क्वेश्चन हो गए, बैरोमीटर इस पर क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको मिले, आपके पास में जो भी बुकलेट है, जो भी सीट है, उसको भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, नोट कर लीजिए इसको।